पावर एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे वाई के बराबर। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये 2 की पावर जो माइनस एक्स है इसको हमने बटे में ले जाना है। जब ये बटे में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, ये जब माइनस में था तो अब बटे में आके पॉजिटिव हो गया तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 2 की पावर x इसको y के बराबर फर्ज कर लेना है या इसको y के बराबर पुट कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, जहाँ पर ये 2 की पावर x है वहाँ पर हमने y को दर्ज कर देना है। तो y जमा 64/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देना है y को, तो मल्टीप्लाइंग बाई y ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर जो y है ये y के 2 हो जाएगा और ये y के साथ y कैंसिल हो जाएगा तो जमा 64 आ जाएगा। तो माइनस 20y इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमने क्या करना है कि ये जो माइनस 20 है ये y के साथ आ जाएगा, तरतीब से लिख लेंगे तो y की 2 माइनस 20y जमा 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो ये y की 2 माइनस 16y माइनस 4y जमा 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लें y को, तो y माइनस 16 आ जाएगा माइनस 4 इंटू वाई जमा माइनस 16 तो इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 16 सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लेना है यहाँ से, ये आ जाएगा y माइनस 16 इंटू वाई माइनस 4। अब हमने इन दोनों को एक एक करके बराबर 0 के ले लेना, तो ये y माइनस 16 बराबर आ जाएगा 0 के और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। अब यह पीछे देखें, हमने 2 की पावर x बराबर है y के फर्ज किया था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 की पावर x y की जगह पर, तो बराबर आ जाएगा 16। इसी तरह यहाँ पर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 के बराबर फर्ज कर लें। अब कीमतें दर्ज कर दें, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। इसी तरह ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2।